किलोमीटर स्क्वायर, 51 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर हमारे अर्थ की एरिया है। इसकी पॉपुलेशन देख लेते हैं, पॉपुलेशन है 790 करोड़, 790 करोड़ पॉपुलेशन है। वाटर एरिया देख लेते हैं, वाटर एरिया हमारे पूरे अर्थ की है, वाटर एरिया 36 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। लैंड एरिया 15 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। अब लैंड एरिया का 30% डेजर्ट है, 30% डेजर्ट है, लैंड एरिया का 30% डेजर्ट है। ओके, कंट्रीज कितने कंट्री हैं, कंट्रीज हम देख लेते हैं, 193 कंट्रीज हमारे पूरे वर्ल्ड में। न्यू कंट्री, सबसे न्यू कंट्री है साउथ सूडान। कितने कॉन्टिनेंट हैं, कितने कॉन्टिनेंट हमारे पूरे वर्ल्ड में हैं, 7 कॉन्टिनेंट। ओके, 7 कॉन्टिनेंट, नो, 8 कॉन्टिनेंट, सॉरी 8 कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट का नाम भी लिखते हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, ओशिनिया, 7 कॉन्टिनेंट। ठीक, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट माउंटेन, हाईएस्ट माउंटेन, लॉन्गेस्ट रिवर हमारी है नील नदी, नाइल रिवर, 6,650 किलोमीटर लंबे, 6,650 किलोमीटर लंबी है। लॉन्गेस्ट माउंटेन कौन सा, एंडीज माउंटेन, एंडीज 7,000 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर लंबा है एंडीज माउंटेन। हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट 8,850 मीटर, 8,850 मीटर। ठीक, इतना ऊंचा है लगभग 8,850 मीटर, 8,850। लार्जेस्ट प्लेटू देख लेते हैं, लार्जेस्ट प्लेटू डक्कन प्लेटू फाउंड इन इंडिया, हाईएस्ट स्टैच्यू देख लेते हैं, हाईएस्ट स्टैच्यू है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ऊपर का थोड़ा मिटा लिया जाए, ऊपर का मिटा के देख लिया जाए, हाईएस्ट स्टैच्यू है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। डीपेस्ट लेक, डीपेस्ट लेक, लार्जेस्ट लेक, एंड इसके बाद देख लिया जाएगा हाईएस्ट वाटरफॉल,
ब्रॉडेस्ट वॉटरफॉल, ठीक। डीपेस्ट लेक हमारी है बैकाल, बैकाल लेक लार्जेस्ट है कैप्सियन सी, कैप्सियन सी लेक हाईएस्ट फॉल है, हाईएस्ट फॉल है एंजल फॉल्स, एंजल फॉल्स वेनेजुएला में है, कोरोना नदी पर बना हुआ है वेनेजुएला में, एंजल फॉल्स। ब्रॉड है नाइग्रा फॉल्स, सेंट लॉरेंस नदी पर योसेम बना हुआ है, सेंट लॉरेंस रिवर पर बना हुआ है नाइग्रा फॉल्स, ठीक। लार्जेस्ट कंट्री है रसिया, लार्जेस्ट कंट्री रसिया है, स्मॉलेस्ट कंट्री है स्मॉलेस्ट कंट्री हो जाएगी वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, ठीक। आगे देखा जाए लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एरिया, एरिया में एरिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एरिया और पॉपुलेशन में दोनों में हमारा एशिया है। पॉपुलेशन में भी देख लिया जाएगा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट पॉपुलेशन, इसमें भी एशिया ही है। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एरिया में देखा जाएगा आएगा ओशिनिया, एंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन पॉपुलेशन, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट पॉपुलेशन में है अंटार्कटिका, वेटिकन सिटी। इसका नाम हो गया हॉलीसी, हॉलीसी इतना छोटा देश है कि आप इसको पैदल चल के 5 मिनट में पार कर सकते हैं, इतना छोटा देश है हॉलीसी, पैदल चल के 5 मिनट में पार किया जा सकता है। अंटार्कटिका इस पे केवल आज तक 4,000 से ज़्यादा जनसंख्या नहीं हो पाई, पूरा बर्फ से ढका हुआ है अंटार्कटिका पे लगभग 2 किलोमीटर थिकर आइस की मोटी लेयर जमी हुई है, 2 किलोमीटर मोटी आइस की लेयर जमी हुई है अंटार्कटिका पर, ठीक। आगे देखिए आइए हम देखते हैं कॉन्टिनेंट के बारे में, ठीक। ये तो हम हाईएस्ट लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट के बारे में हो गए, देखते हैं कॉन्टिनेंट के बारे में दिखाया जाएगा, ठीक। सबसे बड़ा दुनिया का कॉन्टिनेंट है एशिया, क्या है एशिया, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया। एशिया कितने कंट्रीज आते हैं, ठीक। पहले देखा जाएगा इसकी पॉपुलेशन कितनी है, इसकी एरिया कितनी है, इसकी
एरिया है लगभग साढ़े 4 करोड़, 4.5 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर पॉपुलेशन है इसकी, 456 करोड़। तो कितनी कंट्री आती हैं, 48 कंट्रीज, 48 कंट्रीज। अब इसके सभी कंट्रीज के बारे में देख लिया जाए। पहला है मालदीव, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है इंडिया, चौथा है पाकिस्तान, पांचवा है अफगानिस्तान, छठवां है नेपाल, सातवां है भूटान, आठवां है बांग्लादेश, नौवां है म्यांमार, दसवां है ये मालदीव से श्रीलंका लेकर पूरा बांग्लादेश तक ये 8 देश को बोला जाता है सार्क कंट्रीज। क्या बोला जाता है? सार्क। सार्क कंट्री, ठीक। हम इसको मिटा देते हैं, सार्क के बारे में देख लिए। इसके बाद हमारी कंट्रीज आएगी, 10 हो गया, एक रहनी आएगी थाईलैंड तक हो गया हमारा, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, 15 आ जाएगा सिंगापुर, 16, ब्रुनेई, 17, इंडोनेशिया, 18, तिमोर लिस्ट, 19, फिलीपींस, 20, ताइवान, 21 आ जाएगा जापान, 22 साउथ कोरिया, 23 नॉर्थ कोरिया, 24 चाइना, चाइना 25 मंगोलिया, 26 कजाकिस्तान, 27 किर्गिस्तान, 28 तजाकिस्तान, 29 तुर्कमेनिस्तान, 13 उज्बेकिस्तान, 31 जॉर्जिया, 32 अर्मेनिया एंड 33 अजरबैजान। हम यहाँ देखते हैं 34 तुर्की, 35 साइप्रस, 36 सीरिया, 37 लेबनान, 38 इज़राइल, 39 फिलिस्तीन,
भी आ जाएगा जॉर्डन 41, सऊदी अरेबिया 42, यमन 43, ओमान 44, यूएई जिसको लोग दुबई दुबई के पास हैं 45, बहरीन 46, कुवैत 47, कतर 48, इराक 49, ईरान। आप लोग सोच रहे होंगे 49 कंट्रीज कैसे आ गई 48, तो दुनिया ताइवान को देश नहीं मानती है, चाइना की वजह से दुनिया ताइवान को देश मानती ही नहीं है, ठीक, इसीलिए यहाँ पे 49 कंट्रीज हमारी आ गई। कौन कौन सी? मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, तिमोर लिस्ट, फिलीपींस, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, अजरबैजान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इराक, फिलिस्तीन, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ओमान, ओमान, यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, इराक, ईरान। ठीक, हमारी 48 कंट्रीज हो गई एशिया में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल देखा जाएगा आगे आगे कंट्रीज के बारे में, ठीक।